तो हेलो गाइस, क्या हालचाल? बढ़िया सब। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं यहाँ पर ग्रॉसरी स्टोर सिमुलेटर। और गाइस, लास्ट वाले वीडियो में जो है तुम लोगों ने यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्यार और सपोर्ट दिखाया था और काफ़ी सारे लोगों को ये वाला गेम पसंद भी आया था। तो गाइस, मैंने सोचा कि चलो अब जो है गाइस हम लोग इस गेम को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम जो है इस गेम को पूरा दी एंड करने वाले हैं, ठीक है। और वैसे तो ये गेम क्या बोलते हैं दी एंड, लाइक ऐसा कुछ स्टोरी स्टोरी नहीं है क्योंकि दी एंड हो, बट हाँ यहाँ पर जो है हम लोग गाइस इस गेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा पैसा वैसा कमाने का ट्राई करने वाले हैं। और अभी तुम लोग गाइस यहाँ पर करंट में देख सकते हो मेरे पास में $1291 है, मतलब ऑलमोस्ट $1300 जो है मैंने इस स्टोर से अर्न कर लिया। और शायद हम लोगों ने शुरुआत करी थी आई थिंक से $200 या $300 से, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। एंड बाकी तुम लोग देख सकते हो गाइस अपना जो सामने ग्रॉसरी स्टोर है भाई, क्या मस्त लग रहा है। और आज जो है गाइस मैं इसका नामकरण भी करने वाला हूँ। वैसे ग्रॉसरी स्टोर भी नाम अच्छा लग रहा है, बट मैंने लास्ट टाइम काफ़ी सारे सजेशन तुम लोगों से मांगे थे तो मेरे को बहुत सारे सजेशन आए, तो किसी ने कोई नाम बताया, किसी ने कोई नाम बताया। तो मेरे को लगता है कि अपना सबसे बेस्ट नाम रहने वाला है गाइस अपना गेमएक्स ग्रॉसरी स्टोर। आई थिंक से ये नाम एकदम सही रहेगा। देखते हैं ये एडिट होगा या नहीं होगा, मतलब कस्टमाइज होगा या नहीं होगा। तो चलते कस्टमाइजेशन पे। और ये रहा गाइस, तो मेरे को ना यहाँ पर जो है लिखना है, ठीक है। देखते हैं ये चीज़ कैसा लगेगा, ग्रॉसरी स्टोर, ठीक है। लेट सी गाइस ये नाम कैसा लगने वाला है। स्पेलिंग एकदम सही लिखी है ना, वैसे मैं सारा सोच रहा हूँ कैपिटल में ही लिखूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ कैपिटल में लिखते हैं तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। GROCERY & STORE स्टोर, ठीक है। अप्लाई करते हैं और देखते हैं गाइस यहाँ पर भाई अपना क्या बोलते हैं स्टोर का नाम। ओ बढ़िया लग रहा है गाइस, गेमएक्स ग्रॉसरी स्टोर मस्त लग रहा है। और तुम ही में से किसी ने मेरे को नाम ये सजेस्ट करा होगा, क्योंकि ऐसे वैसे मेरे दिमाग में भी ये नाम आया था बट तुम लोगों के सजेशन मेरे को सही लगे। बाकी गाइस आज के इस एपिसोड में जो है हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं। आज जो है हम लोग अपना स्टोर को लेवल अप करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग नए प्रोडक्ट यहाँ पर बेच सकें। और बाकी तुम लोग ये देख सकते हो भाई कितनी सारे मैंने खाली के डब्बे यहाँ पर इकट्ठे कर रखे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जो पैसे है ना लास्ट एपिसोड में शायद $700-800 थे अपने पास में, बट थोड़े मैंने गेम को ऑफलाइन करके मतलब खेल के पैसे अर्न करे हैं, तो इसीलिए तुम लोग को इतने डब्बे नज़र आ रहे होंगे। उनको बस मेरे को बाहर फेंकना है, कूड़ा कबाड़ में भाई कचरा अपने स्टोर में बिल्कुल भी नहीं रखूँगा, सारा का सारा कचरा मैं यहाँ फेंकने वाला हूँ, ठीक है। एंड इसको साफ़ करते हैं जल्दी से, उसके बाद जो है गाइस हम लोग अपना स्टोर अपग्रेड करते हैं और नए नए प्रोडक्ट मंगाते हैं। वैसे अपने पास में जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है यार, तो मेरे को अभी अपना जो पुराना स्टॉक है उसको भी रीस्टॉक करना है, मतलब आज हमें बहुत सारा काम है। और अभी तो वैसे रात हो रही है तो अभी के टाइम पे तो हम लोग अपना स्टोर ओपन नहीं करेंगे, बट कल के दिन तक हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं गाइज क्या बोलते हैं अपना स्टोर को एक्सपेंशन में चलते हैं। तो अभी जो है सबसे पहले गाइज हम लोग अपना स्टोर को लेवल 2 करने वाले हैं, जिसमें हमें $500 लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं, हमने पास पे भरपूर पैसा पड़ा है। एंड चलो भाई, तो अपना स्टोर लेवल 2 हो चुका है और अभी अपने पास में $719 पड़े हैं और नए गुड्स आ चुके होंगे गाइस स्टोर लेवल 2 वाले। तो ये रहे गाइस, यहाँ तक अभी काफ़ी सारी नई चीज़ें आ गई है, जैसे कि कहाँ तक बीन सूप तक हम लोग बेच रहे थे, अभी बॉक्स्ड क्रिस्ट केक आ गया है और पाइन एप्पल केक है, मिल्क है, फिर बियर है, मतलब फ्रीजर भी हमें चाहिए होगा यार। तो मेरे को ना एक काम करना है, लार्ज फ्रिज कहाँ पर है, फ्रिज लार्ज ओके लेवल 4 पे होगा अनलॉक, तो अभी हम लोग सिर्फ स्मॉल फ्रिज ले सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ दो फ्रिज लेता हूँ $300 के, ठीक है। और उसके साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ पहले फ्रिज मंगा लेते हैं, फिर जो है गाइस हम लोग चीज़ें मंगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई है भाई, इनको मेरे को पहले मंगाना पड़ेगा, ठीक है। जो अपना पुराना स्टॉक है पहले हम उसको रीस्टॉक करेंगे, फिर नया स्टॉक मंगाते हैं गाइस, ठीक है। एंड मिल्क मंगाते हैं दो, बियर मंगाते हैं दो, ये रेड वाली, फिर येलो वाली दो बियर आएंगी, ब्लू वाली, फिर से येलो वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, ओके ठीक है गाइस। मैंने बहुत सारा और मिल्क आई, मिल्क कार्टन है और एक मिल्क कार्ट, अच्छा दो तरीके का मिल्क है, एक हरा वाला है और एक ब्लू वाला है, ठीक है। तो गाइस अपने नए फ्रिज यहाँ पर आ चुके हैं और मैं सोच रहा हूँ फ्रिज को मैं यहीं पर जमा दूँ यार, ये जगह मेरे को सही लग रही है एकदम, ठीक है। एंड चलो अभी गाइस जो है मैं बहुत सारा काम कर रहा है, सबसे पहले मैं फ्रिज लगा देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद अभी अपना और भी सामान आ रहा होगा। और मेरे को ना एक काम कर रहा है यार, मैंने सारी पेटियाँ फेंक दी क्या? अरे यार सारी पेटियाँ मैंने, ओ गाइस ये देखो भाई इतनी सारी पेटियाँ यहाँ पड़ी है भाई, ये शायद से जो यहाँ पर सैंड स्टॉर्म आता है ना उसकी वजह से उड़ के उधर पहुँच गई होंगी। तो मेरा गाइस अभी एक चीज़ करने वाला हूँ, अभी ना अपन थोड़ी सी चीज़ें एकदम बढ़िया रखने वाले हैं, मतलब सब कुछ सेट रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़े नए प्रोडक्ट आने वाले हैं।
तो जैसे कि ये चिप्स हो गए, इनको निकालो यहाँ पर और इनको एक जगह पे रखने हैं अपन को, ठीक है। इसको फ़िलहाल के लिए यहाँ पर छोड़ते हैं और सामान जो आ गया है भाई उसको अनलोड कराते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सामान भी हमें एट दी एंड वहाँ पर लगाना है। और मैं सोच रहा हूँ कि गाइस मैंने अपने स्टोर में जो चीज़ों का प्राइस है वो थोड़ा सा बढ़ा लूँ यार, क्योंकि हमें प्रॉफिट ना थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि हमें अपना अगर स्टोर का लेवल अपग्रेड करना है ना तो भाई पैसे ज़्यादा लगेंगे। वैसे अगर मैं नहीं भी करूँगा ना तो भी कोई दिक्कत ऐसी आने वाली है नहीं खास। फिलहाल के लिए ये फ्लोर जो है भैया आटा गाइस जो है ना बहुत ज़्यादा बिकता है, तो मेरे को ना ये थोड़ा ज़्यादा मंगाना चाहिए था। बाकी वॉशिंग पाउडर निर्मा जो है ठीक ठाक वैसे पड़ा है अपने पे, बट कोई बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया होगा। एंड बस एक ही डब्बा मैंने मंगाया वॉशिंग पाउडर का, ठीक है। बाकी बासमती राइस जो है गाइस मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर बासमती राइस आएंगे और ये एप्पल सीरम जो है इसको यहाँ लगा देते हैं, लेट्स गो। ये हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया, और प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि अभी क्या हुआ भैया, अपनी रिकॉर्डिंग मस्त चल रही थी और तुम्हें पता है कि जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ भाई लाइट का अलग ही पंगा है, तो लाइट चली गई और पता नहीं भाई क्या होगा, मेरे को नहीं पता पुरानी रिकॉर्डिंग वापस आएगी या नहीं आएगी। अगर नहीं आएगी तो फिर ये वाला रिकॉर्ड मतलब ये वाला एपिसोड शायद तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो शायद से वेल एंड गुड रहेगा, तो मे बी ये वाले एपिसोड तुम लोग को देखने को मिल जाए। तो प्लीज़ यार तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट विपोर्ट करो यार, ताकि तुम्हारा भाई जो लाइट वाला पंगा है ना इसको सॉल्व कर पाए। और हाँ, मेरे को पता है बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट में बोलने वाले हैं कि अनमोल भैया आप जो है UPS ले लो। तो गाइस पंगा ऐसा है कि UPS मेरे पास में है बट वो हो चुका है ख़राब, और उसको रिपेयर कराने के लिए भी पैसे नहीं है तुम्हारे भाई के पास में, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रही है। बट कोई नहीं, कभी ना कभी तो अपन सही करा ही लेंगे। फिलहाल के लिए गाइस जो है हम लोगों ने ऑर्डर करा था सामान, वो आ रहा है धीरे धीरे। ओह, फ्रिज अब आ रहा है, अच्छा अच्छा, ऑर्डर वो हो गया होगा ना, थोड़ा आगे पीछे हो चुका है मेरे ख्याल से। फिलहाल मेरे को ये फ्रिज यहाँ पर लगाना है, क्योंकि हमने यहीं पर लगाया था, ठीक है। दोनों फ्रिज जो है गाइस मैं यहीं पर लगाने वाला हूँ, फटाफट से लगा देते हैं भाई। एंड होप करते हैं कि लाइट दोबारा ना जाए यार, क्योंकि भाई लाइट जाती है ना दिमाग की हिल जाती है भाई। सही कह रहा हूँ, मजाक से हट के यार, मतलब रिकॉर्डिंग चल रही हो ना फिर बिल्कुल वो हो जाता है यार, मतलब पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है यार, तो ऐसा ना हो। फिलहाल के लिए गाइस हम लोगों ने काफ़ी सारा सामान यहाँ पर लगा दिया है, और नया वाला जो हमने प्रोडक्ट ऑर्डर करे थे पता नहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे। वैसे मेरे पास में $433 ही पड़े हैं, तो भाई न्यू वाला प्रोडक्ट आएगा ना भाई, ऐसा ना मत हो गाइस, आई थिंक से स्कैम हो चुका है भाई, मेरे को ऐसे ही लग रहा है। मेरे को ना दोबारा ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो ट्रक आता है ना वो अभी आया नहीं है भाई दोबारा, और वो मेरे को लग रहा है आएगा भी नहीं। तो मेरे को गाइस नया वाला प्रोडक्ट मंगाना पड़ेगा दोबारा से यार, पता नहीं मेरा साइज से लॉस ना हो गया उसमें। फिलहाल बीन सूप तक आ चुका है, तो ये दो पैकेट आएंगे, और ये वाली बियर इतना मंगाते हैं, फिर ये येल्लो, ये फिर से येल्लो, फिर ये वाली, और उसके बाद मिल्क कार्टन, ठीक है। इतना ही सामान अपन मंगाते हैं, अपने पे $162 पड़े हुए हैं, और फटाफट से काम करते हैं। पहले यार मैं सोच रहा हूँ सारा सामान ना मैं यहाँ पर लगा लूँ, उसके बाद मैं स्टोर ओपन करता हूँ। वैसे अभी रात के टाइम हो रखा है, तो रात में थोड़े कस्टमर कम आएंगे, बट कल के दिन पे स्टार्टिंग करेंगे ना, एक नए दिन की शुरुआत करेंगे गाइस। चलो फटाफट ये करते हैं। और हाँ, मैं बोल रहा था कि गाइस मैं ना अपना सोच रहा हूँ कि थोड़े प्रोडक्ट के ना प्राइस में बढ़ा दूँ, इससे कि यार हम लोगों को ना थोड़ा फ़ायदा हो जाए। तो मैं पहले सारे के सारे प्रोडक्ट लगा देता हूँ, उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर प्राइस बढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो वेट अ सेकेंड, पहले मैं ना एक ये वाला केक यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। ये केक लग चुका है, ये चिप्स यहाँ से निकालो, क्योंकि अभी थोड़ी जगह की हमें हम लोगों पे दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर फेंको इसको, और ये वाला केक नहीं, ये वाला केक वापस आ, इसको यहाँ लगाते हैं। वैसे सारा केक एक जगह पे रहता ना तो ज़्यादा सही रहता, ठीक है। एंड भाई ये ट्रक अब और क्यों आया है, अच्छा, थोड़ा सामान रह गया होगा ना। हाँ भाई, तो मैं बोलूँ यार, मैं बोला कि भाई कहीं ऐसा हो कि मैंने जो ड्रिंक्स वगैरह मंगाई थी वो ग्लिच की वजह से अब आ रही हो, बट नहीं, इसमें थोड़ा और बाकी का सामान है। ये फ्रिज का सारा आइटम होने वाला है, तो उसको यहाँ पे फिर फटाफट इसको अनलोड करते हैं, फिर जल्दी से इसको लगाएंगे, फिर फटाफट अपना स्टोर ओपन करेंगे और ढेर सारा पैसा कमाने वाले हैं आज हम लोग गाइस। यहाँ पर देखते हैं, आज हम लोगों ने वैसे $1200 का इन्वेस्टमेंट करा है, तो देखते हैं हम लोग उसको रिकवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आज के दिन पे। अगर आज के दिन पे वो रिकवर हो गया तो भाई समझ जाना अपना प्रॉफिट तगड़ा होने वाला है इसके, मतलब इस क्या बोलते हैं अपने स्टोर में। पहले मैं ये वाली बियर ईजिंग लगा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं एक एक करके लगा के देख लेता हूँ कि भाई कितनी जगह में सारा आइटम आ रहा है,
यहाँ पर मैं सारा मिल्क लगा देता हूँ, ठीक है। ये मिल्क हो गया और एक ग्रीन मिल्क और होगा भाई, और ये हरा वाला मिल्क, इसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ रखते हैं। और यार ये पेटी फेंकने का ना सीन थोड़ा सा, मतलब है तो वैसे सही है, बट यार ये बाहर जाके फेंकनी पड़ती ना, ये थोड़ा दिक्कत देता है। एंड चलो अभी ये वाली बियर लगाते हैं गाइस। और मैंने सबका दो दो स्टॉक मंगा रखा है, तो आई थिंक से बियर थोड़ी ज़्यादा आ गई है, क्योंकि इसको रखने की ना अभी जगह चाहिए होगी, तो इसको ना मैं तब तक यहाँ जमा देता हूँ। येलो वाली ये कौन सी है, बियर एक्टोंग भाई, अलग ही नाम है इसका। इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। एंड ये बच गई है भाई, इसको यहाँ डाल दो। उसके अलावा ये बियर, अरे ये नीली वाली बियर है भाई, मेरे को लग रहा है मेरे को फ्रिज ना और मंगाने पड़ेंगे शायद। अभी कोई तो बियर बच रही है भाई, ये हो गई, येल्लो हो गई। ओ ये अलग है गाइस, वो एक्टंग थी, ये सनचडेर या भाई, फ्रिज कम पड़ गया गाइस, अब ना मेरे को फ्रिज चाहिए होगा। तो फिलहाल मैं स्टोर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ मैं गाइस यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दूँ यार, जैसे कि एप्पल सीरम $2.99 का, तो मैं इसको $3 का बेचूँगा, ठीक है। और ये जो है 1 सेंट महंगा बेचते हैं गाइस अपन लोग, ठीक है। तो ये आटा जो है इसको मैं पूरा $2.5 का बेचूंगा, ठीक है। उसके अलावा ये $29 का है, तो अपन इसको बेचेंगे गाइज वेट अ सेकेंड $30 का, ठीक है। मैं जो एकदम राउंड फिगर करने का ट्राई कर रहा हूँ, ये बेचेंगे अपन पूरे $4 का, ये थोड़ा महंगा बेचेंगे अपन। पटैटो चिप्स बासमती राइस $2.5 का बेचेंगे अपन लोग, ठीक है गाइज। उसके अलावा ये पूरा $6 का रहेगा। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ा रहे हैं हम लोग, एक एक सेंट बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, पॉइंट पैसे बढ़ा रहे हैं एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। इसमें इसको भी अपन $3 का करने वाले हैं गाइस। उसके अलावा बियर जो है ये $2 की बिकेगी, ये $3 का रहेगा, और ये भी $3 का रहेगा। एंड ये वाली जो बियर है ये $2 की रहने वाली है भाई। बियर भाई ऐसा तो नहीं मैं ज़्यादा महंगी कर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा 0.50 पैसे एक तरीके से काइंड ऑफ हम लोग बढ़ा रहे हैं। एंड चलो स्टोर में कस्टमर, ओ गाइस कस्टमर कंप्लेंट करने लगे हैं कि कॉस्ट उन्हें ज़्यादा लग रही है। आई थिंक से वो बियर की कंप्लेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ना उस पर प्राइस थोड़ा ज़्यादा कर रखा है, बट अभी क्या ही करें, जो है सो है भाई। इसको $14 वापस करने हैं। ये लो भाई साहब, एंड ये लो बड़ी। एंड चलो देखते हैं गाइस आज हम लोग यहाँ पर कितना प्रॉफिट करने वाले हैं, लेट्स गो। वैसे अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है मेरे हिसाब से, तो सेल अच्छी हो रही है भाई। और मेरे को ना एक और फ्रिज चाहिए यार, क्योंकि जगह ना थोड़ी, फ्रिज थोड़ा सा कम पड़ रहा है यार अपने लिए। चल भाई निकल तू फटाफट यहाँ से, एंड नेक्स्ट आ जाओ, चेंज नहीं देने। इसका क्या क्या आइटम है, काफी सारा आइटम है यार, इसको भी कुछ चेंज नहीं, इसको कार्ड पेमेंट है, इसकी कार्ड पेमेंट लेते हैं फटाफट से। एंड बियर वैसे बिक रही है यार, ऐसा नहीं है कि बियर बिक नहीं रही है गाइस, बिक रही है गाइस। एंड नेक्स्ट कस्टमर आ चुका है, जल्दी जल्दी आओ भैया, और इसको $2.5 वापस करने हैं। वैसे राउंड फिगर में गाइस मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा ना, आई थिंक से राउंड फिगर मेरे हिसाब से ज्यादा सही। और ये बाल देख रहे, तुम्हारे भाई के बाल साले कभी सेट ही नहीं हो पाते हैं। चल चल अभी ना गाइस मेरे को एक फ्रिज और मंगाना है यार, तो पहले यार ये कस्टमर में निपटा दूँ, उसके बाद ना मैं यहाँ पर फ्रिज ऑर्डर करके आता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को एक फ्रिज और चाहिए यार, क्योंकि नया प्रोडक्ट जो है वो भाई बिकना तो चाहिए ना। तो किस में चलते हैं, स्टोर एक्सपेंशन में, और एक स्मॉल फ्रिज हम लोग यहाँ पर और मंगा लेते हैं गाइस, ठीक है। एंड ऑनलाइन हमने थोड़ा $150 का और इन्वेस्टमेंट कर दिया है, बट ठीक है कोई नहीं, अभी थोड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए हमें और क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। सॉरी 27.50 डॉलर भाई, कभी कभी ना दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाती है। और $24.30 ले लीजिए, नेक्स्ट टाइम जरूर आना। और ₹8.50 काटना है इसका, ये लोग काटा कट्टू कर दिए अपन ने। अगला आओ मैडम जी, तो ₹27.50 काटने हैं, 27.5 चलो फटाफट। वैसे ही ओ भाई ये तो भाई तगड़ा माल खरीद लिया, इसको दो डल निकलो फटाफट, आ जाओ अगला, अगले को भाई ₹25 वापस कर, नहीं सॉरी 50 एंड 20, 5, 25 ये लीजिए। नेक्स्ट को कितने देने हैं, ₹13 वापस करना है, ये लो आपके ₹13। अगला कस्टमर आओ जल्दी से, कार्ड पेमेंट है, सॉरी ये लो बियर, एक बियर लिए, कोई चेंज नहीं देना है। एंड चलो गाइस अपना जो फ्रिज आ गया ना, फटाफट हम लोग उसको उठा लेते हैं, इसमें लगाते हैं थोड़ा नया वाला सामान। तो ये आएगा जस्ट यहाँ पर, ठीक है। अभी अपने पास में 3 टोटल फ्रिज हो चुके हैं, और ये सेंच डियर वाली जो बियर है ना, इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। और कोई नया प्रोडक्ट बच रहा है
भाई ये ब्लू वाली, अच्छा ये तो सेम है, और ये वाली भी लगा दी, ये वाली भी लगा दी, ये भी लग गई है, ठीक है, सारी बियर लगी हुई है। तो एक काम करते हैं अपन, बिक कौन सी रही है ज़्यादा, वैसे बिक तो अभी तक कोई सी ज़्यादा नहीं रही है फिलहाल के लिए, जो बाकी की बची हुई आइटम है ना अपन इसको यहाँ लगाते हैं। ये मिल्क लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, इसके अलावा ये वाला मिल्क यहाँ लगा देते हैं जल्दी से। ये भाई मिल्क वैसे काफ़ी सही बिक रहा है देखा जाए तो, और ओके एक बियर का वो पूरा बिक गया, रेड वाली बियर ठीक ठाक बिक रही है यार, मतलब भाई हम लोग इसका मतलब 50 पैसे तक बढ़ा सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, चीज़ें बिक रही है यार, बस थोड़ी सी सेल आई थिंक से कम होगी होगी बस, बाकी तो चीज़ें बिक रही है ना भाई। रुको रुको यार मेरे को स्टॉक भरने दो भाई, स्टॉक की बड़ी दिक्कत हो रही है, मिल कभी नहीं लगाते हैं ठीक है, और कोई स्टॉक नहीं पड़ा है यार मेरे पे ज़्यादा खास, स्टॉक क्यों नहीं पड़ा है भैया। ये वाली बियर यहाँ लगा दो, चलो ये वाली भी फिल कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है गाइस, और ये फिर भी सारी की सारी पूरी नहीं आई है उसमें, और ये डब्बे यहाँ फेंक दो भाई, डब्बे में यार ये स्टोर के बाहर डब्बे फेंकना ना थोड़ा बेकार लग रहा है मेरे को, बट अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलो लाइन लग चुकी है भैया लंबी वाली, वापस कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट इनको कार्ड पेमेंट है $6 की, ठीक है नेक्स्ट, और जल्दी जल्दी मेरे को थोड़ा सामान भी मंगाना पड़ेगा यार, सामान ख़त्म हो रहा है, वेट अ सेकेंड यार, अभी ना कहीं अकेले थोड़ा सा मैनेज करना ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है यार, सीरियसली यार थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है, एक क्या बोलते हैं वर्कर वर्कर मिल जाए ना तो सही रहेगा भाई, इसको $16 वापस करने हैं, ये लो 5, चलो निकलो, अगली बार आना तो थोड़े खुले पैसे लेके आना ठीक है, एंड चलो नेक्स्ट आ जाओ जल्दी जल्दी, $4 वापस करने हैं, 4.5, ये लीजिए, अगला कस्टमर कौन है भैया, इसको देनी है 5-6, सॉरी ज़्यादा हो गए, ज़्यादा ही हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 हो गए, भाई ये चेन, ओ भाई इसने क्या सामान खरीदा है यार, इसका टोटल बिल कितने का हुआ, $32 का, बस मेरे को लगा ज़्यादा होगा, ठीक है, एंड थोड़ा सामान ऑर्डर कर लेते हैं गाइस, ठीक है, और बाकी मैंने जो अभी नया आइटम लगाया ना उसका भी प्राइस मेरे को चेंज करने दो भाई, ये $2 की बेचेंगे अपन सीधे, ठीक है, एंड चलो अभी थोड़ा सा सामान मंगा लेते हैं, आटा नहीं वॉशिंग पाउडर दो, आटा मंगाता हूँ मैं 4, ठीक है, आटा थोड़ा जल्दी बिक जाता है, बासमती राइस 2 मंगा लेते हैं अपन, और मिल्क कार्टन वगैरह अपने पे पड़ा है तो इतना ये सामान मंगाते हैं, ठीक है, सब कुछ पड़ा है अपने पे भर भर के, चलो बीन 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 चीन इन टीन सब मंगा लेते हैं भाई, चलो नेक्स्ट आ जाओ जल्दी जल्दी फटाफट आ जाइए, 1 चलो ये हो गया, नेक्स्ट आओ जल्दी से, लेट्स गो, एंड इन भाई साहब का क्या क्या है, काफ़ी सामान नहीं, कार्ड पेमेंट है $18 की, ठीक है कर दिए भैया पेमेंट, 18 रुपया की, 11 रुपया की इनकी है, ये लो चलो गाइस अपना सामान बांट चुका है, पहले ये वाला डब्बा खाली करो भाई, इसको बाहर फेंको, इसके अलावा ये वाली बियर बिक रही है भाई, धीरे धीरे बिक रही है, ब्लू वाली बियर भी धीरे धीरे ही बिक रही है, कहाँ रखूँ इसको, कहीं भी रख दो क्या ही फ़र्क पड़ता है, बाकी यार मैं सोच रहा हूँ ये जो भरा हुआ स्टॉक है ना इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है गाइस, क्योंकि है ना इधर उधर रायता फैला हुआ है ना, थोड़ा सही नहीं लग रहा है यार मेरे को, बाकी ये सामान जल्दी जल्दी उतारो भाई, बहुत काम है गाइस, भाई अकेले ना भाई अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है यार मेरे को, मैं सही बता रहा हूँ, कोई अगर साथ दे देता तो थोड़ा सही हो जाता, बट अभी क्या ही कर सकते हैं भाई, अकेले ही अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, समझ रहे हो ना, तो अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा, आटा यार आटा बड़ा कम नहीं निकलता इसमें भाई, मैंने इसके 4 पैकेट मंगाए हैं, समझ रहे हो तुम, 4 पैकेट, और ये देखना अभी 4 पैकेट कितनी जल्दी बिक जाएं, मेरे को लगता है आटा साला डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है ना, क्योंकि हर कोई रोटियां खाता है तो बहुत तेजी से बिकता है यार, चलो कस्टमर की लाइन कितनी लंबी लग गई यार, मैंने आई थिंक पूरा सामान भी नहीं लगाया यार अभी, कितने वापस करने हैं, 70-50, चलो निकल अगला कस्टमर भाई, सामान तो ये लोग वैसे सही ठीक ठाक खरीद रहे हैं यार, शॉपिंग तो ये लोग तगड़ी करने लगे हैं, मतलब हर कोई कस्टमर ऑलमोस्ट $20-25 की चीज़ें ले जाता है, जैसे कि ये मैडम जी को देखो $20 की चीज़ें ले जा रही हैं, 20.30, चलो अगला कौन है भैया, जल्दी जल्दी आओ क्योंकि अभी अपन को बहुत काम है, इसको वापस कर रहे हैं $9, 9 एंड चलो लेट्स गो, और गाइज अपने पे $614 हो चुके हैं, लेट्स गो यार, मतलब हम लोग प्रॉफिट में तो जा रहे हैं, हम लोग प्रॉफिट में तो जा रहे हैं भाई, मानना पड़ेगा कि हम लोग प्रॉफिट में हैं गाइस, चलो नेक्स्ट आ जाओ फटाफट, 70 वापस करने हैं, ये लीजिए, थैंक यू सो मच, अगली बार ज़रूर आना,
एंड गाइस क्या आज हम लोग और एक लेवल अप कर पाएंगे यार? मेरे को लगता नहीं है क्योंकि अगला स्टोर लेवल जो अपग्रेड है ना भाई, यहाँ पर क्या रखा था? कुछ तो खत्म हो गया बहुत तेजी से। ओ बांसपति राइस मेरे पे पड़ा है यार, बांसपति राइस। टेंशन कोई नहीं है भाई, बांसपति राइस अपने पे भर के पड़ा है, इसको लगा दिया जाए यहाँ पर। और इधर देख लेते हैं भाई, फ्रिज में दूध खत्म हो रहा है। अबे दूध अपना सारा भी गया वो वाला। ओ शिट 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 शिट, मेरे को दूध मंगाना पड़ेगा यार। मिल्क हरा वाला तो पड़ा है, वो जो ब्लू वाला मिल्क था ना गाइस, वो सारा बिक चुका है। इसको यहाँ लगाओ, आटा बिका, बिक गया भैया। आटा की बहुत ज्यादा खपत होती है। ये वाली बियर इसमें एक बची है अभी, रेड वाली का स्टॉक, ब्लू वाली का स्टॉक देख लेते हैं। ब्लू वाली का स्टॉक भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, बाकी कुछ कुछ बियर हैं बहुत स्लो बिक रही है यार। ठीक है अभी बिक रही है तो बिकने देते हैं। चलो अभी तो शायद अपने पे स्टॉक पड़ा है गाइस, बट थोड़ी देर बाद ना मेरे को मंगाना पड़ेगा। 23 ले लीजिए, बस एक दूध का डब्बा लेने आए हो मैडम इतनी दूर? कोई बात नहीं है, अमीर लोग एक एक चीज लेने आते हैं भाई सुपर मार्केट में, समझ रहे हो ना गाइस, एक एक चीज लेने आते हैं भाई। इनके पास बहुत पैसा होता है, हम जैसे लोग थोड़ा ज्यादा सामान इकट्ठा लेने जाते हैं। चलो फटाफट इसको रखो, कितने पेमेंट? $7 की ले लीजिए भाई। इतनी तेजी तेजी से हाथ चलाने पड़ रहे हैं यार मेरे को, मतलब अभी गाइस हम लोग काफी फास्ट काम कर ले रहे हैं मेरे को लग रहा है। बाय 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 बाय। चलो 800 उतने डॉलर हो गए अपन पे गाइस, और अभी ना मेरे को थोड़ा स्टॉक मंगाना पड़ेगा। पहले यार ये खाली डब्बों का मेरे को ना कुछ करना पड़ेगा भाई। हाँ मिल्क खत्म हो रहा है, ये मंगाना है वो मंगाना है। ठीक है देख लेते हैं, यहाँ पे चल के देख लेते हैं क्या क्या मंगाना है हमें। तो वॉशिंग पाउडर एक मंगा लेते हैं, पोटैटो चिप्स दो मंगा लेते हैं, एप्पल सीरम मंगा लेते हैं, चिनम मंगा लेते हैं दो, और बीन सूप वैसे पड़ा है बट एक मंगा लेते हैं। मिल्क कार्टन दो मंगा लेते हैं गाइस। ठीक है, नहीं नहीं ये वाला मिल्क नहीं, ये मिल्क कार्टन पड़ा है अपने पे तो उसको नहीं मंगाते हैं, ये वाला मिल्क कार्टन दो मंगा लेते हैं। चलो मैंने थोड़ा सा सामान और मंगा लिया है यहाँ पर, तब तक वो आ रहा है तब तक अपन चल के बिलिंग सेलिंग कर लेते हैं, थोड़ा पैसा और कमा लेते हैं। क्या बोलते हो, पैसा ही कमाने तो बैठे हैं अपन यहाँ पर। चलो भाई लोग साले यहाँ पर नशेड़ी बहुत है भाई, ये लोग बियर बहुत दबा के पीते हैं, मैंने एक चीज़ नोटिस करी गाइस। भाई 99% कस्टमर ऐसे हैं कि साले बियर लेके ही जा रहे हैं भाई। ये देखो ये कितनी सारी वैरायटी लेके जा रहा है बियर की भाई, ये काफी तगड़ा नशेड़ी लग रहा है। और ये भाई साहब बस एक बियर ले जा रहे हैं क्योंकि इनकी शायद बीवी इनको मारती होगी इसलिए। चलो 3 1 2 3 4 चलो, थैंक यू, वेलकम वेलकम। 10 रुपया 8 लिया है, एंड आज का दिन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। मतलब ख़त्म तो वैसे कुछ भी नहीं होता है जब तक हम लोग स्टोर बंद ना करें, तब तक डे अपना चलता ही रहता है गाइस। भाई एक दिन निकल जाए, दो दिन निकल जाए, तीन दिन निकल जाए, चार दिन निकल जाए, मतलब अपना स्टोर जो है गाइस 24 आवर वाली सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए कभी तक चले कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये मिल्क यहाँ लगाओ भाई, मिल्क की थोड़ी शॉर्टेज हो गई थी। Just what apple, I was after. This is perfect. Apple लगा दो, apple यहाँ भी लगा दो, थोड़ा सा बाहर फेंक दिया जाए। बाहर की ना गाइस मैं सफाई बाद में करूंगा भाई, और बस इतना ही सामान मंगाया था। नहीं ये तो पड़ा है, मैं आंखों के सामने सामान पड़ा है और मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ भाई। हाँ ये क्या बात होती है, बीन सूप है यार वैसे ठीक ठाक पड़ा है, बट ठीक है थोड़ा और स्टॉक मंगा लिया तो दिक्कत नहीं है। पोटैटो चिप्स भाई ऑलमोस्ट सारे बिक चुके थे तो सही टाइम पे मंगा लिए हम लोगों ने, एंड इसको लगा देते हैं यहाँ पर, बाकी थोड़े बच जाएंगे। हाँ भाई बच गया। और वॉशिंग पाउडर यार, बस वॉशिंग पाउडर मैंने दो नहीं मंगाया, अच्छा एक ही मंगाया था। ठीक है ठीक है, एंड गाइस बहुत लंबी लाइन लग चुकी है भाई। एक चिप्स लेने आई हो मैडम जी, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, थोड़ा ज़्यादा सामान ले लो यार। एंड कितने, 27 रुपया 27.50। क्या होता है भैया, ऑलराइट क्या होता है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिलिंग तो यार अपन तेज करने लगे गाइस, पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई अपनी बिलिंग। 29 ये लीजिए, बूम 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 बूम। बियर, ओ मैडम बियर सेहत के लिए हानिकारक होती है आपको पता है ना, फिर भी आप पी रही हो, बहुत गंदी बात है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उनकी मर्जी उनकी लाइफ, वो कुछ भी करें क्या ही फर्क पड़ता है। चलो अपना तो सामान बिकना चाहिए भाई, लोग यहाँ पर बेचने बैठे हैं ना कि लोगों को समझाने बैठे हैं, अगर ये लोग समझ जाएंगे तो अपना धंधा पानी फिर कैसे चलेगा भाई। हाँ हम लोग तो रोड सड़क पे आ जाएंगे भाई। ब्लू वाली बियर लगा दो यहाँ पर। यार ये वाला मिल्क बिक रहा है, धीरे धीरे बिक रहा है। मैं सोच रहा हूँ ये साला मिल्क का स्टॉक यहाँ भी भर दिया जाए,
क्या बोलते हो, थोड़ा वापस आओ, ये वाला पेटा खाली करो पहले, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें से जाएगा, इसको यहाँ फेंक के आएंगे, इसको यहाँ लगाएंगे, चलो बढ़िया, बूम बूम हो चुका है शकलक बूम बूम। और येल्लो वाली बियर ले लेते हैं यहाँ पर, ये संच डैर वाली, नहीं 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 नहीं, ये अच्छा, ये ऑरेंज अलग है और वो साली, बट यहाँ तो येल्लो दिख रही है। अबे यार ऐसा ना करो भाई, कलर एक जैसा ही रखा जाए, कलर में कोई छेड़खानी ना करी जाए, कलर अगर जो है वही रहना चाहिए। फिलहाल कस्टमर बहुत आ रखे हैं, रात के टाइम पे मेरे को लगता है थोड़ी सेल कम हो जाती है, दिन के टाइम में बढ़िया आते हैं। और गाइस भाई तुम लोगों ने नोटिस करा अपने पास 1200 भाई ऑलमोस्ट $1200 हो चुके हैं भाई, $1100 पे तो हम लोग पहुँच गए हैं, $100 ही कमी, मतलब हम लोगों ने भाई आज बढ़िया कमाई करी है यार, देखा जाए तो अच्छी ठीक ठाक कमाई करी है हमने आज भाई। इतने इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम लोग दोबारा प्रॉफिट में आ गए, मतलब जितना हमने पैसा स्पेंड करा था वो सारा का सारा रिकवर हो चुका है भाई ऑलमोस्ट, और अपने पे प्रोडक्ट भी ठीक ठाक पड़े हैं, बस आटा ख़त्म होने वाला है फिर से। एंड गाइस आज का स्टोर हम अभी फिलहाल बंद करने वाले हैं, ठीक है, ये 2-3 कस्टमर जो हैं इनको थोड़ा सामान वीमान ले लें तो, और स्टोर क्लोज कर देता हूँ मैं, ठीक है, और इनफ है भाई, आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ करा है, मतलब जितना हमने पैसा इन्वेस्ट करा था वो सारा का सारा रिकवर भी कर लिया, और थोड़ा अपना स्टोर भी अपग्रेड हो गया है, तो उसका मतलब हम लोग प्रॉफिट में तो चल रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। बाकी गाइस अगले वाले एपिसोड में जो है अपन लोग यहाँ पर अपना स्टोर को और डेवलप करेंगे, तो उसके लिए मेरे को चाहिए होगा $750, जो कि ईजिली हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बाकी थोड़ा स्टोर का साइज़ भी मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, बट ये level 3 पे ही बढ़ेगा, और स्टोर का साइज़ के लिए ₹1500 लगेगा, ओके। और वैसे अगर level 3 पे देखा जाए तो क्या क्या सामान अनलॉक होने वाला है, तो गाइस level 3 पर जो है थोड़ी सी नई बियर अनलॉक होंगी, और भाई हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं वेजिटेबल तो नहीं, हाँ एक वेजिटेबल है कैबेज और एप्पल हैं, मतलब दो वेजिटेबल हैं, दो फ्रूट हैं, एंड बाकी level 4 पर और थोड़ी सी वेजिटेबल वगैरह अनलॉक होने वाली है। मतलब गेम को अगर देखा जाए तो भाई level 20 तक बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और सीरियसली यार अभी तो थोड़ी सी दिक्कत, मतलब मेरे को ये फेस करनी पड़ती है कि अकेले थोड़ा मैनेज करना दिक्कत है, बट वेट गाइस यहाँ पर सेल्फ चेकआउट काउंटर भी है यार, तो हम लोग इसको लगाएंगे भाई, बढ़िया level 5 पर होगा यार, तो अभी इसमें टाइम है, और वैसे कितने का है $700 का है, ज़्यादा महंगा नहीं है, बट स्टोर का लेवल अप करना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड वेट यार एक कस्टमर बच रखा है, इसको भी अपन फटाफट सामान दे देते हैं, एंड इसी के साथ जो है गाइस हम लोग जो है आज के एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। और बाकी अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो यार तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा तुम्हारा भाई बीच में कहीं पर भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता है, तो अगर तुम लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।